पंजाबी म्यूजिक की बात करेंगे, बिकॉज एक बार मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था तो उन्होंने बोला बी पॉजिटिव और पी पॉजिटिव, तो मैंने कहा बी पॉजिटिव तो पता है, ये पी पॉजिटिव क्या, कहता पंजाबी म्यूजिक पॉजिटिव हो तुम तो। हाँ, और आप लोग अपना अनम्यूट रख सकते हो, बिकॉज मुझे फिर पता ही नहीं चलता कि कौन हंस रहा कौन नहीं हंस रहा। तो शुरू करेंगे, पंजाबी म्यूजिक शुरू हुआ अखाड़ों में, ठीक है। तो अखाड़ों में तो दो लोग बड़े फेमस थे, अमर जोत चमकीला की जोड़ी बड़ी फेमस थी। अच्छा, वो जब गाना गाते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो लड़ रहे हैं आपस में। जैसे कि जब वो गाना गाते हैं तो अमर जोत जो उनकी फीमेल पार्टनर, वो कहती है कि पहले ललकारे नाल मैं डर गई, दूजे ललक, और फिर वो भी उतनी एनर्जी में कहता है पहला कम हवेलियां दे डट पट। तो ऐसा लग रहा है भाई आराम से आराम से आराम से आराम से, लड़ो मत। उसके बाद फिर एक सिंगर थे हमारे, आशा सिंह मस्ताना, वो ऐसे गाते हैं, ए दरी कनिका ओ दरी कनिका विच कनिका दे बूर पया, मुटियारे जाना दूर पया। तो इतने में मुटियार जो थी ना, वो घर जाकर शादी करके बच्चे भी कर देती थी जब तक ये गाना खत्म होता, वो इतना स्लो गाता था। तो उसके बाद आया दूरदर्शन, दूरदर्शन में हमारी बोलियां चलती थी और पंजाब में भांगड़ा। तो बोलियों में जो मेन सिंगर है वो तो गा रही है ना कि नी माही मोरी पिंडे दाती पक्का हिंड, वो तो अपना गा रही है, पर जो ग्रुप में लोग बैठे हैं वो नहीं डांस करते जब तक उनके ऊपर कैमरा ना पैन हो। तो वो गा रही है माही मोरी पिंडे दाते पक्का हिंडे दा लड़े उत्तो उत्तो करे तो ता करके नियो नचे आगे देच मेरी बाप। मतलब जब कैमरा पैन हो गया निकल गया। अच्छा, ये जो भंगड़ा होता है ना जो दूरदर्शन पे दिखाते हैं, ये वो रिश्तेदार हैं हमारे बारात के, वो इलीट रिश्तेदार जो या तो NRI हैं या फौजी हैं, जिनको आप कहते हैं मामा जी प्लीज एक स्टेप, बस हो गया हमारा, ये मैंने तुम पे कर दिया एहसान सारी जिंदगी, मैंने नाचा तुम्हारी साथ। उसके बाद पंजाबी म्यूजिक में आया पॉप थोड़ा, तो एक आए सुखशिंदर शिंदा, उन्होंने क्या करा, वो गए कनेडा, कनेडा सबको पता ही है हमारा होम टाउन, वहां हम गए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा मैं अंग्रेजों को पंजाबी म्यूजिक सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, उन्होंने कहा मैं सिखाता हूँ रेसिपी, पहले एदे विच पाओ टोल दी बीट टिंगल लक लक, फिर उसमें डाल दो पंजाब दी हड़प्पा बल्ले बल्ले, बस बन गया गाना। तो सुखशिंदर शिंदा गए कॉन्सर्ट में, अब उनका आधा गाना इंग्लिश में, आपको तो पता है पंजाबियों को इंग्लिश कितनी पसंद होती है, मेरा मतलब गाने से था यो यो। तो वो गए अब कॉन्सर्ट में चले गए, वहां पे अब उनको पता ही नहीं क्या करे यार इंग्लिश कैसे गए, तो सारे गोरे कॉन्सर्ट में, तो उन्होंने माइक करा आगे, चलो भाई, वो सारा पार्ट गा दिया गोरों ने सारा अंग्रेजी का, फिर अपनी तरफ मुंह करके कहते हैं जदो गिद्दे विच नचे बड़ी सोहनी लगदी, जदो गुत्तम घुमावे बड़ी सोहनी लगदी। अच्छा, दलेर मेहंदी का वो गाना सुना किसी ने, तुनक तुनक तुन, किसने सुना तुनक तुनक तुन ता दा दा, सबने सुना है, हम है ना, सबने वो एक बहुत ही सैड घटना पर बेस्ड है। मैं आपको बताऊं, दलेर मेहंदी जो थे वो बचपन में थे बड़े शरारती, उन्होंने तोड़ दिया वास, लेकिन थे म्यूजिकल, तो उनकी मम्मी रही उन्हें मारने, तो कहते धीरे मार, फिर जो ये आता ना तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन, दादा दा, ये उनकी मम्मी मार रही है, इस पे उन्होंने लगाई है बीट पे क्योंकि म्यूजिकल लोग। तो उसके बाद आते गजल सिंगर्स, देखो भाई जो कॉन्सर्ट वाले होते हैं ना, वो उनको गाने याद मत करो फर्क नहीं पड़ता, फटे कपड़े पहन के चले जाओ ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्राउड में गिर जाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गजल सिंगर्स होते हैं क्लास के टॉपर्स, वो अपनी यूनिफॉर्म में जाते हैं, कुर्ता पजामा और शॉल उनकी यूनिफॉर्म, और उनका जो भी साथ में गाना बजा, उनको अपनी हारमोनियम ऑडियंस भी पता है, 50 से ऊपर 90-90 का पैग लगाकर बैठे हुए बुजुर्ग लोग जो बस वहां पे गाना सुन रहे हैं, और अपने भीली भूरी भूली बिसरी यादें। अच्छा, मजाल है गजल सिंगर अपना गाना भूल जाए, भाई वो शब्द कोश लेके चलता है, आपको तो डिक्शनरी भी नहीं खोलनी पड़ेगी। अब देख लो वो गाना गा रहे हैं, ये दर्द की तन्हाइयां अच्छा ये आ मैंने बुला भी लेते हैं, आ जाओ शुरू हो गया, मार्केटिंग भी खुद ही करते हैं, ये दर्द की तन्हाइयां
ये दश्त का वीरा सफर, वीरा मतलब अकेलापन, सुनापन। हम लोग तो उकता गए, उकताना मतलब थक जाना, परेशान। अरे अंकल ठीक है ना, आप गाना सुनाओ ना, आप क्यों डिक्शनरी खोल के बैठ जाते। अच्छा फिर हमारे एक पंजाब के बहुत बड़े राज गायक है जिनका नाम है हंस राज हंस, वो गा रहे थे गाना अपने कॉन्सर्ट में, उनका बड़ा मशहूर गाना है एक, है जो सिल्ली सिल्ली आंदी है कोई रोंदा हवा, वे किथे कोई रोंदा होवेगा। अच्छा गाना है ना, बहुत प्यारा है। तो किसी ने बोला इसको अपग्रेड करो, तो उन्होंने 2.0 निकाला। गौर फरमाइए, ए जो था ठूंदी आंदी है आवाज, कोई सिंगर किथे गाउंदा होवेगा, हथियारा वोनू हथ ते चला, कोई सिंगर किथे गाउंदा होवेगा, कोई सिंगर बंदूक चलाउंदा होवेगा। तो एंड करेंगे इस पर कि बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदा बुरा, सानू हुन माफ कर दो, साडा टाइम हो गया पूरा। थैंक यू सो क्या मच। बात वेरी नाइस। है शैलेंद्र जी, ने पहली बार सुना तन्वी को? हाँ नहीं, दूसरी पहले बार, किसने? दूसरी दूसरी बार, बार। दूसरी ओ मैंने ओके। सुना पहली बार, मैंने। अब मैं पढ़ना अभी तन्वी के सामने गाने से डरूंगी, दो बार ये आइटम तो मेरे दिमाग में आएगा जरूर। यू आर वेरी गुड तन्वी, यू आर रियली रियली थैंक्स। गुड। आपके ऑब्जर्वेशन के तो क्या कहने। बहुत ही अच्छा था थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। विमल जी, तन्वी जी, तुसी ग्रेट हो। थैंक बढ़िया, कीप इट अप। यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू तन्वी, थैंक यू सो मच।